हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, पहले ऑर्डर आएगा उसको बनाते हैं और बाकी आपको दिखाते हैं। यहाँ पूरी तैयारी कर ली मैंने, तो आपको दिखाते हैं फ्रंट कैमरा से। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरीके की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर मेरे कटिंग वगैरह है, ये दाबेली का मसाला, काकड़ी, प्याज, टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, फ्रेंकी का मसाला, सैंडविच का आलू, और ये रे सॉस, और ये चिली फ्लैक्स, चाट मसाला, मिक्स सॉस, बर्गर का बटर, फ्रेंकी की रोटी, और ये रही आज की तैयारी। तो करते हैं आज की तैयारी, जो भी पहला ऑर्डर आएगा उसको हम अपने वीडियो में बनाएंगे। और इस बार जो है सोडा का, अभी सोडा का अपने पास दो तीन फ्लेवर है। यह सोडा का मशीन, और यह है सैंडविच मशीन जिसमें सैंडविच को हम ग्रिल करते हैं, और यह है फ्रेंच फ्राई, और इसमें हम आलू टिक्की, वेज टिक्की फ्राई करते हैं, देख सकते हो। तो जो भी पहला ऑर्डर होगा उसको हम बनाएंगे आज। तो वीडियो पे बने रहना, काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको बना के दिखाएंगे आज, तो बने रहना वीडियो पे। तो दोस्तों अभी मैंने तैयारी वगैरह सारे कर ली है और अभी मैं बैठा हूँ बाहर, अभी एक भी ऑर्डर आया नहीं। तो आज जो भी ऑर्डर आएगा उसका सबसे पहले बनाएंगे वीडियो। अभी देख सकते हो यह सोसाइटी के बीच में। और तो दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ वेज लॉफ। वेज लॉफ मैंने ले लिया है और इसको मैंने बीच से कट करके दोनों साइड मैंने लगा दिया बटर। बटर लगाने के बाद दोनों साइड, उसके बाद मारूंगा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को पूरा मिक्स कर लूँगा इस तरीके से। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगा स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न डाल दिया, इसके बाद इसमें आ जाएगा मुजरेला चीज़ आपको इस तरीके से डाल लेना है। उसके बाद इसमें चिली प्लस एरोगनो चाट मसाला डाल लेना है। उसके बाद आपको लगाना है काकड़ी इस तरीके से। उसके बाद डालना है टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें लगाना है प्याज। प्याज डालने के बाद इसमें लगाना है शिमला मिर्च इस तरीके से। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर डाल लेना है जलोपिनो। जलोपिनो डालने के बाद इसमें मारना है चिली फ्लैक्स एरोगनो। फिर से आपको मारना है इसमें चाट मसाला। दोनों साइड चिली फ्लैक्स एरोगनो डाल लो। फिर इसके ऊपर से आएगा मायो सॉस। मायो सॉस आपको पूरा मार लेना है इस तरीके से, और ऊपर वाले में भी मायो डाल देना है। और इसके बाद आपको इसमें डालना है थाउजेंड सॉस को आपको फिर ऊपर वाले में पूरा मिक्स कर लेना है। चिली फ्लैक्स एरोगनो मायो मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको इसमें डालना है चीज़। आप कोई भी डाल सकते हो। इसको डालने के बाद ये देख सकते हो, इसमें चीज़ डाल सकते हो। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है हमारा लॉफ। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम बंद करके ओवन में डाल देंगे। ओवन में डालने के बाद हमारा जो लॉफ है वो लॉफ बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसको कर लेंगे तीन कट करने के बाद हम इसको डिलीवर कर देंगे कस्टमर को खाने के लिए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये लॉफ कैसा लगा। तो आज की वीडियो को करते हैं टाटा, बाय बाय।